नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यू नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28वें NHRC स्थापना दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया के अहिंसा का रास्ता दिखाया है। आज महात्मा गांधी के आदर्शों को पूरी दुनिया मानती है। साथ में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत आत्मसत सर्वभूतेषु के महान आदर्शों, संस्कारों और विचारों को लेकर चलने वाला देश है। आत्मवत सर्वभूतेषु यानी जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हैं। मानव मानव में, जीव जीव में भेद नहीं है। भारत ने लगातार विश्व को समानता और मानव अधिकारों के जुड़े विषयों पर नया विजन दिया। बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं जब दुनिया भ्रमित हुई है, भटकी है, लेकिन भारत मानवाधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, संवेदनशील रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देना और उनका संरक्षण करना है। आयोग किसी भी प्रकार के मानवाधिकार हनन का स्वतः संज्ञान लेता है, मानवाधिकारों के हनन के मामलों में पड़ताल करता है, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए लोकाधिकारियों को अनुमोदन करता है और मानवाधिकारों का हनन करने वाले जनसेवकों के खिलाफ कानूनी और अन्य दंडनीय कार्रवाई करता है। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानवाधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। इस 15 अगस्त को देश से बात करते हुए मैंने इस बात पर बल दिया है कि अब हमें मूलभूत सुविधाओं को 100% सैचुरेशन तक ले जाना है। ये 100% सैचुरेशन का अभियान समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने की है। जो गरीब कभी सोच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, उस गरीब को अब शौचालय मिलता है तो उसे डिग्निटी भी मिलती है। जो गरीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उस गरीब का जब जनधन अकाउंट खुलता है तो उसमें हौसला आता है, उसकी डिग्निटी बढ़ती है। बीते वर्षों में देश ने अलग अलग वर्गों में अलग अलग स्तर पर हो रहे अन्याय को भी दूर करने का प्रयास किया है। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी, हमने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। साथ में पीएम मोदी ने यह भी कहा, आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है, वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सकें। इन्हें सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे, लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।